दोबारा नहीं आ रहा पीछे से। हो हाय एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने केसर ब्लॉग पे। सो फ्रेंड्स, एक नए दिन की शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ, और आज मैं जाने वाला हूँ कसार देवी। तो फ्रेंड्स, सुना तो बहुत कुछ है उसके बारे में, आज वहाँ जाके देख भी लेते हैं कि जो हमने सुना है वो रियली है या नहीं है। तो यार चलते हैं बिना कोई देर के, यहाँ से निकलते हैं अपने रूम से। आ रहा कसार देवी, कसार देवी है, चल रहा है। सुबह से फोन किया था भाई, बिजी आ रहा था तू। एक सेकंड रुक जा, मैं तेरे को दिखाता हूँ। तो यार मैं और हिमांशु तो आ चुके हैं आगे, बट यार हमने अभी थोड़ा सा वेट करना है, कमल और अमित लोग आ रहे हैं तो उनका इंतजार करना है। तब तक मैं पहुँचाऊँ अभी वॉशिंग वाले के पास, पहले थोड़ा गाड़ी वॉश करा लेते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। तो यार वॉश करने वाले भैया थोड़ा सा बिजी थे, तो यार मैंने सोचा कि इनका वेट करना सही नहीं है। मैं फटाफट से उनको पानी मांगा, मैंने कहा लाओ भैया मैं ही वॉश कर लेता हूँ, और मैं लग गया अपनी गाड़ी वॉश करने में, क्योंकि तब तक अमित लोग भी आ जाते। तो यार बाइक वॉश कराने के बाद हम निकल चुके हैं आगे की ओर। तो अभी यार बस एक का इंतजार हो रहा है, अभी अमित आया नहीं, शायद वो मार्केट में कुछ काम की वजह से रुक गया है। अभी आगे जाके थोड़ा सा उसका इंतजार करते हैं, फिर निकलते हैं। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, यहीं हमें 4:30 हो चुके, जाना काफ़ी दूर है। सुबह 8 बजे से वेट करने के बाद अभी पहुँचते हैं 12 बजे, और उसके बाद भी इनका हाल मैं दिखाता हूँ आपको। 12 बजे पहुँच रहे हैं यहाँ पे, और 12 बजे पहुँचने के बाद भाई इनका हाल ये है, जाना बहुत दूर है कसार देवी, और अभी हम हैं बागेश्वर पे। ये रहा अपना बागेश्वर, और यहाँ पे इनका हाल ये है। बस यार फोटो शूटिंग इनकी ख़त्म होती है, फिर निकलते हैं यहाँ से। तो यार आधा घंटा फोटो शूटिंग के बाद हम निकल रहे हैं यहाँ से भाई, बार हमें यहीं बच चुके हैं, अब पता नहीं कब पहुँचते हम कसार देवी। बस एक घंटा, बस 1:50। हो चले, तो बस 1:50 का सफ़र और तय करना है हमें। वो इतना ओवरटेक मत कर रहा, वो इतना ओवरटेक मत कर। ओवरटेक करना भी सही नहीं है, देख देख लगातार ही ओवरटेक करने में गया हूँ। रुक जा भाई, तू रुक जा। मौसम का हाल दिख रहा है, बारिश लग रही भाई, अरे सच में लग रही, हल्की फुल्की लग रही, और बैंड में ओवरटेक मत कर रहे। यार अभी हम यहाँ पे रुके हैं, अभी बस थावला पहुँचने में थोड़ा सा टाइम है, थोड़ी देर में हम पहुँच जाते हैं थावला। तो उसके बाद ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ से ज़्यादा 30 किलोमीटर दूर हो गए कसार देवी। ये भाई 57 मिनट हो रहे, बस 31 किलोमीटर का रास्ता हो रहा है भाई। 57 बता रहा, हम पे डिपेंड करता है कि हम कितने जल्दी वहाँ पहुँच पाए। सर मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? कैमरा हूँ मैं। कहाँ से आ रही? फट गया भाई, नीचे आ रही पूरी, वहाँ से नीचे आ रही, देख फट गया साइलेंसर। तू यहाँ से आ, अरे यहाँ से फट गया, देख वो देख वो देख। चलो फिर
अब ऐसा करते हैं ताकुला में रुकेंगे सीधा। चलो 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 चलो, वाह किसने बैठा है, अरे तू तो चला ले जा, कमल तो चला रहा है अरे। बस यार 56 मिनट हो रहे, 56 मिनट में पहुंच जाते हैं उनके साथ। देखो क्या कर रहे हैं, चल चल सीधे चल, आपको मैं 1 किलोमीटर में दिखा रहा भाई, तो मेन मार्केट का होगा 1 किलोमीटर ही दिखा रहा है, तो पहुंच गया। चलो चलो चलो, हाँ अच्छा कह रहे मोड़ पे आ गया हो, और माना जाता है हमें, हाँ पूरे ले रहा है, हाँ जोर से मार, जोर से मार, ये ये है भाई, ऊपर को नहीं जाती क्या गाड़ी नहीं जाती, गाड़ी यहीं तक है, यहीं पे लगा, ऊपर साइड लगा, ऊपर साइड नीचे ही लगा ली, क्या फर्क पड़ रहा, गाड़ी भी नहीं आ रही। तो यार 3 घंटे के बाद हम पहुंच चुके हैं अरमोड़ा कसार देवी के नीचे, अभी मंदिर में नहीं पहुंचे यार, अभी रोड में ही है। अभी बता नहीं मंदिर में पहुंचने में कितना टाइम लगता है, अभी ऐसे हमें ऐसे बंदे मिले हैं, 3 घंटे लगा दिए यहाँ पहुंचने में है क्यों। अमित भाई ये क्या लिखा है यहाँ पे देखना जरा, ये ड्रिंकिंग वाटर लिखा, और क्या कर रहा है, हाथ पांव धो रहा है। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो थोड़ा सा मंदिर की हिस्ट्री भी जान लेते हैं। तो यार सबसे पहले मैं इसकी लोकेशन की बात करता हूँ, अगर लोकेशन की बात जहाँ आती है तो ये उत्तराखंड अल्मोड़ा पे हमारा ये मंदिर पड़ता है। और बात करते हैं इसको जो स्थापित किया था, माना जाता है कि बहुत पहले जो प्राचीन हमारे राजा होते थे, यक्ष होते थे, गंधर्व होते थे, उनके द्वारा माना जाता है कि यहाँ पे स्थापित किया गया था ये मंदिर। तो फ्रेंड्स कसार देवी इसलिए भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि यह विश्व में उन 3 स्थानों में से है जो वैन एलन बेल्ट के प्रभाव क्षेत्र में आता है। वैन एलन बेल्ट एक ऐसा शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें अत्यधिक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यार माता रानी से तो मिल गए हैं, अब निकल रहे हम सीधे ऊपर अपने भोलेनाथ से मिलने के लिए जो कि ऊपर टॉप पे है। और यहाँ पे है हमारा माता रानी का मंदिर, कसार देवी माता, माँ दुर्गा की स्टैचू बनी है अंदर। अंदर तो फोटो वीडियो अलाउड नहीं था तो अंदर का कुछ बनाया नहीं, बाहर से देख लीजिए। और ये हम निकल रहे ऊपर की ओर, कसार देवी तो ऐसे ज़्यादा वो नहीं है यार, रोड के बगल में ही है। और मुझे आज तक पता नहीं था, मैं तो यहाँ से कम बहुत बार आगे पीछे निकल चुका हूँ, बट ये पता नहीं था कि बस रोड के बगल में, नहीं तो मैं आज तक कब का आ जाता है। ये क्या गजब सीन है यार, यहाँ से फोटो शूटिंग चल रही भाई, हवा इतनी चल रही है अगर कोई उड़े ना यहाँ से नीचे, यहाँ ध्यान मगन हो रहे भाई, सुकून। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भाई शांति व्यवस्था बनाए रखे हैं। सबसे पहले बात तो यही है, तो यार माता रानी के दर्शन करने के बाद हम भोले बाबा जी से भी मिल चुके हैं, और उनके दर्शन करने के बाद अब थोड़ा सा बाहर का नज़ारा भी देख लेते हैं। यार यहाँ आके नहीं, आप लोग कहीं भी कोई भी मंदिर में जाओ ना, एक अलग ही लेवल वाला सुकून मिलता है जो यहाँ पे भी मिल रहा है। ये तो और भी ज़्यादा सुकून मिल रहा है यहाँ भाई, क्योंकि
क्योंकि पूरा यहाँ जहाँ पे अभी मैं हूँ ये पूरा टॉप एरिया पे है, ये जो बोलते हैं कश्यप पहाड़ी पे, हमारा कसार देवी मंदिर कश्यप पहाड़ी पे है, वही देख सकते हो आप टॉप में बैकग्राउंड कुछ ऐसा है। तो फ्रेंड्स कसार देवी माता के दर्शन करने के बाद अब हम निकल रहे हैं यहाँ से आगे को। तो यार अब अचानक से प्रोग्राम बन रहा है कि हम बागेश्वर होते होते गोलजू बैराड़ के दर्शन करते हुए निकलते हैं, तो हम निकल रहे हैं अब गोलजू बैराड़ की ओर को। फ्रेंड्स पहुँच चुके हैं हम गोलजू बैराड़ के गेट पे, बस अब यहाँ से निकलते हैं मंदिर को। ओए पहले यहाँ होके आते हैं ना, यहीं पे नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। इधर आओ 2 मिनट का रास्ता आ जाओ, बस यहाँ से ज़्यादा नहीं है, 100-200 मीटर ज़्यादा दूर होगा। आगे सामने दिख रहा हो हल्का फुल्का, बस वहीं पे जाना है। यहाँ से निकलेंगे सीधे घर को, क्योंकि टाइम भी हो चुका है, 5:30 हो चुके हैं यहीं। अभी हम लगभग अल्मोड़ा में ही है। तो फ्रेंड्स पहुँच चुके हम गोलजू भगवान जी के गेट के यहाँ पे, बस यहाँ पे हम लगाते हैं बाइक, निकलते हैं ऊपर की ओर को मंदिर की ओर को। चले फिर, चलो फिर फटाफट से दर्शन करके आते हैं, फिर निकलते हैं, टाइम बहुत हो गया है। चलो भाई, यहाँ पहले ही नोटिस दे दिया गया है कि बंदरों से सावधान रहे, और मैं पहले आ चुका हूँ यहाँ, मुझे पता है भाई बहुत खतरनाक बंदर होते हैं। तो यार पहुँच चुके हैं मंदिर के बाहर, आज का दिन तो हमारे लिए बहुत गजब हो गया। पहले हम गए कसार देवी, दोबारा हम आ गए गोलजू बैराड़। ये देखो बस मेरे जस्ट पीछे है हमारा गोलजू बैराड़, भाई मैं ऊपर जाके आपको इसका और अच्छा व्यू दिखाऊँगा। इसके ऊपर थोड़ा सा जंगल में जाके वहाँ से और गजब लगता है। से देखेगा अब हमारा मंदिर असली वाला, ये देखो भाई क्या गजब लगता है यार, क्योंकि मुझे यहाँ का सारा लोकेशन पता है ना, कहाँ से दिखता है कहाँ से क्या दिखता है, क्योंकि पहले आ चुका हूँ मैं यहाँ, ये मेरा आज दूसरा है। ये देखो अमित भाई थोड़ा रिएक्शन दिखाइए अपना। वाओ जोर से मार इसको, जोर से मार, जोर से मार, जोर से मार, जोर से आराम से प्रेम प्रेम तो फ्रेंड्स मंदिर के दर्शन भी हो चुके हैं, गोलजू बैराड़ देवता के दर्शन भी हो चुके हैं, अब निकलते हैं यहाँ से। और यार टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, 6 यहीं बज गए हमें। अब आगे भाई सड़क पे, अरे भाई कहाँ ले जा रहा है अब, ये बड़ी गाड़ी थोड़ी ना भाई, छोटी गाड़ी बाइक है, यहीं से घूम जाती हो। वहाँ ले जा रहा है भाई उसको घुमाने के लिए, वो देखो क्या गजब आदमी है। चले फिर, तो फ्रेंड्स निकलते हैं हम यहाँ से, अब मिलते हैं आपको सीधे बागेश्वर जाके। आ रहा है पीछे से, वो भाई पहुँच चुके हम अपने स्टॉप पे। अरे आजा, चल चल नहीं आ रहे वो। हेलो सर, आ जाऊंगा मैं। कहाँ जाऊँ, जहाँ से गया था वहीं जाऊँ। तो
फ्रेंड्स फाइनल पहुंच चुके हैं बागे सर, वेट हो रहा अब सूप का, बस सूप पीते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से, और यहाँ से भाई मैच का एंजॉय लेते हुए, क्या गजब मैच हो रहा है यार आज। सो फ्रेंड्स पहुंच चुका हूँ फाइनली अपने रूम पे, और यार आज का ब्लॉग यहीं पे फिनिश करता हूँ, मिलता आपको जल्द एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अगर यार आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।